अगला देखें, पूछा है कि इसमें और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द स्पेयर विल बी रेशियो, उनकी डेंसिटी की रेशियो बता दो। देखो ऐसे देखा, डेंसिटी देखा जाए सरफेस डेंसिटी जो अगर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो सी वन वी वन डिवाइड बाई 4πr² होता है, और इसको जनरलाइज करें तो अगर हम रोवन लिखें और रोटू लिखें, दोनों में रिलेशन अपने को निकालना है, तो रोवन इजकल टू सी वन, अच्छा सी और वी होगा यहाँ पे, सी वन वी वन अपान 4πr² और ऐसे ही मैं सिग्मा टू लिखूँ तो सी टू वी टू डिवाइड बाई 4πr² अगर दोनों का रेशियो में निकालूँ सिग्मा वन बाई सिग्मा टू तो हमारे पास सी वन वी वन डिवाइड बाई 4πr² इंटू 4πr² डिवाइड बाई सी टू वी टू। अब देखो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास टर्म उसको लिख लेते हैं। ओके तो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इजकल टू सी वन बाई सी टू एंड वी वन बाई वी टू एंड आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर। ओके अब देखा जाए यहाँ से ध्यान से, तो हमारे पास जो बचा सी वन और वी, और वी वन वी टू दे रखे हैं इनमें कितने, कंडक्टर स्पेयर 10 मीटर एट चार 20। ओके तो अब देखा जाए यहाँ पे जो सी वन और सी टू का जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे सी वन और आर वन, तो वी वन वी टू देखा जाए, वी क्या है भाई, वी जो है यहाँ पे वी दोनों के लिए सेम है क्योंकि कंडक्टर स्पेयर और स्पेयर सेम है तो वी सेम होगा, तो यहाँ पे जो रो वन और रो टू का रेशियो जो आएगा आपका क्या डायरेक्टली आ जाएगा, सी वन सी टू इंटू आर टू आर वन का होल स्क्वायर। ओके और सी वन सी टू क्या है भाई, आर वन बाई आर टू, और ये क्या है आर टू बाई आर वन। ओके तो इनडायरेक्टली क्या होगा, सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इज कर टू आर टू बाई आर वन, तो आर टू बाई आर वन, आर टू कितना है 20, आर वन कितना है 10, आर टू कितना है 20 और आर वन कितना है 1। ओके तो यहाँ पुट कर देंगे तो अपना रेशियो जो आएगा 2:1 आया आपका आंसर। देख लिया ऑप्शन बी जो है 2:1 दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है।